बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक आदर्श केंद्र स्वारघाट के भवन में दरारें आ गई हैं। बता दें, यहां पर कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। इस पाठशाला में डर के साए में अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इस पाठशाला में 96 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस इमारत में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो भवन काफ़ी पुराना भी है। भवन के पीछे की ओर कोई भी सेफ्टी नहीं है, जहां पर मजबूत रिटेनिंग वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में कई दिनों से भारी बारिश भी हो रही है, कई स्थानों पर मकान भी गिर रहे हैं और जगह जगह भूस्खलन भी हो रहा है। इसीलिए इस भवन में भी कई जगह दरारें आ चुकी हैं। पाठशाला की तरफ से इस बारे में विभाग को अवगत करवा दिया गया है और इस बारे में मांग भी की गई है कि जल्द से जल्द इस समस्या को लेकर कोई उचित व्यवस्था की जाए। स्वारघाट में जो है कमरे में बहुत दरारें आई हुई हैं और जो किचन सेड में सेड है जो वो नीचे से बिल्कुल धंस चुका है और दीवार ने वो छोड़ दी है अपनी जगह और तीसरे के कमरे भी ऐसे हैं। बच्चे के स्ट्रेंथ 96 हैं और उन बच्चों को बिठाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो मैंने कई बार विभाग को भी बताया है कि इस तरह बात है तो हमें इसका बचाव किया जाए। प्रशासन को भी मैंने बताया हुआ है तो इसकी कार्रवाई प्रशासन के अनुसार तो हमें इसके जल्द से जल्दी इसका ये करें। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।